दूसरे को जानते हुए भी सिद्धार्थ और पवित्रा में होती है कम बातचीत। दोनों के बीच क्या है अनजाना कनेक्शन, चलिए जानते हैं। बिग बॉस 2020 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिख रही है पवित्र पुनिया, लेकिन इन दोनों का इस रियलिटी शो के अलावा भी एक नाता है। खास बात यह है कि बिग बॉस 2020 में जब सिद्धार्थ और पवित्रा की मुलाकात हुई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने काम भी किया हो एक साथ। ऐसा लगता है कि उनके रियल लाइफ के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस में भी दोनों आपस में ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखे। बिग बॉस के एक एपिसोड में पवित्रा ने इस बात का खुलासा भी किया है। दरअसल पवित्रा ने अपने करियर की शुरुआत की थी लव यू जिंदगी नाम के सीरियल से। इस सीरियल में उनके हीरो थे सिद्धार्थ शुक्ला। पवित्रा का पहला सीरियल था, लेकिन सिद्धार्थ इससे पहले सोनी टीवी के सीरियल बाबुल का आंगन छूटना ना से अपना डेब्यू कर चुके थे। लेकिन सिद्धार्थ को बड़े मौके मिले जब भी मेट के रीमेक के लिए कास्ट किया गया, जहां इस सीरियल से सिद्धार्थ ने फिल्म जब भी मेट के शाहिद कपूर का रोल प्ले किया था। वहीं पवित्रा पुनिया इस सीरियल में बनी थी गीत, जो कि फिल्म जब भी मेट में करीना कपूर का किरदार था। इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था जब भी मेट बनाने वाले इम्तियाज अली ने। इस सीरियल में पवित्रा बनी थी पंजाबी कुड़ी और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो करीना कपूर का जादू जगा सके। वहीं सिद्धार्थ ने भी शाहिद कपूर बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये सीरियल लोगों को पसंद ही नहीं आया, ज्यादा दिन तक स्टार प्लस पर नहीं चला। इसीलिए सिद्धार्थ और पवित्रा की जोड़ी के बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। इस सीरियल के बाद पवित्रा ने छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए, वहीं सिद्धार्थ को बड़े मौके मिलने लग गए। इसकी वजह से सिद्धार्थ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं पवित्रा हमेशा कंट्रोवर्सी में रही हैं, चाहे वो फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। देखना होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने और पवित्रा से इस अनजान कनेक्शन के बारे में बिग बॉस में कब बात करते हैं। वैसे उनके हाव भाव से तो वो अपने इस सीरियल और पवित्र पुनिया के साथ काम के बारे में बात करना ही नहीं चाहते। देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में ये दोनों खुलकर बात करते हैं या नहीं। दोनों का भूला बिसरा सीरियल लव यू जिंदगी उनके इस रिश्ते को याद दिलाता है, जो दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब रहा। वेल, आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।